हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जो कि देख लीजिए नेचुरल फोटो एडिटिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, ठीक है, और कितने सारे बंदों को पसंद आता है। तो ऐसा फोटो एडिटिंग और आप लोग भी करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। मतलब आप लोगों को बैकग्राउंड डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप लोगों को ऐसा मतलब बताऊँगा कि आप लोग खुद से अपना बैकग्राउंड बनाना सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, चैनल बनाए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फोटो को हम सेंड कर लेते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। तो यहाँ से सिंपली इसे हम सेंड कर दे रहा हूँ, और यहाँ से पिक्सआर्ट में आने के बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले रिसाइज कर लेना अपने फ़ोटो को। मेरा फ़ोटो ऑलरेडी रिसाइज है, तो रिसाइज करने के बाद देखिए क्या करना है कि मैं आप लोगों को आज अपनी तरफ से बैकग्राउंड बनाना सिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले एड फोटो पर जाना है, और आप लोग को जो मतलब आप लोग पहले का मतलब आप लोग बैकग्राउंड डाउनलोड किए होंगे, ग्रीन या और कुछ भी, या मेरे से डाउनलोड किए होंगे, तो उसका यूज़ करना है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं वो वाला पीएनजी या बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आज ये वाला और ये वाला, ये दोनों यूज़ करूँगा, और इसका मैं बैकग्राउंड लिंक आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं, और इसका साइज़ पहले देख लीजिए, इसको कुछ हम इतना एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास भी जो मतलब बैकग्राउंड होगा, आप लोग को भी वैसे ही यूज करना है। और इस ऊपर वाले को देखिए क्या करना है, इसको ऐसे लगा देना है, क्योंकि ऊपर मतलब स्काई रहता है और नीचे तो ग्रीन बैकग्राउंड रहता है, ठीक है। तो उसके बाद इरेज पे जाना है, हार्डनेस को कम कर देना है बिल्कुल भी, और इसे पूरा इरेज कर लेना है, कुछ इतना मतलब स्काई इतना। तो इसका इतना हो गया यहाँ से, और इसे डन कर लेते हैं, और डन करके सेव कर देते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए क्या करना है मुझे, मतलब फ़ोटो को परफेक्ट बनाने के लिए, मतलब सिमिलर करने के लिए, मतलब एक में मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसे पूरा ब्लर कर दिया जाता है, जिससे मेरा फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा ब्लरी और बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। तो देखिए, पहले ऐसे था, जब ब्लर कर दिए तो कितना ही मस्त लगने लगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे डन करते हैं। डन करने के बाद देखिए, ये फ़ोटो मतलब मेरा बैकग्राउंड बनके तैयार हो चुका है, और ये मतलब रियल लग रहा है। और इतना होने के बाद देखिए क्या करना है, फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो हमें फ़ोटो यूज करना है उसे हम यहाँ से लगा लेंगे। तो मैं अपना फ़ोटो लगा कर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से ये वाला फ़ोटो हमें सेलेक्ट कर लेना है और एड कर लेना है, क्योंकि हमें इस पर ही यूज करना है। तो इसे पूरा एडजस्ट करके ऐसे लगा लेंगे, और इरेज करने के लिए अपने नेट को ओपन कर लेना है, और यहाँ से रिमूव बिजी करके इसे रिमूव कर देना है। और रिमूव होने के बाद देखिए ये कितना ज़्यादा मस्त लगेगा। तो देखिए कितना आसानी से बता रहा हूँ, ऐसे ही आसान आसान ट्रिक्स जाने के लिए भाई मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। और देखिए, यहाँ से इतना होने के बाद क्या करना है, इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है, और नीचे का हार्डनेस कम कर देंगे पूरा, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा ला देंगे, ठीक है, जिससे ये रियल लगेगा। तो कुछ ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से इसे डन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो जो बच गया है उसे मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप लोगों को मतलब आप लोगों को फ़ोटो पे कुछ ऐसा ऐसा मतलब धब्बा आ जाता है जो साइड वाला होता है, उसे आप लोग इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। और इतना होने के बाद देखिए क्या करना है, स्टिकर पे जाना है, और देखिए पीएनजी कौन सा यूज़ करना है। पीएनजी आप लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लाइट बटरफ्लाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, लाइट बटरफ्लाई, ठीक है, यही लिख के सर्च करना है। तो इसे कुछ इतना कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इतना होने के बाद क्या करना है, सर्च वाला आइकन पे जाना है, उसके बाद से यहाँ पे सर्च करना है कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री, और यहाँ से सर्च करने के बाद देखिए ये आ जाने के बाद ये वाला यूज़ करना है हमें। तो यहाँ से इसे यूज कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर देंगे, डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद से फ्लिप रोटेट पे जाएंगे, उसके बाद से फ्लिप कर लेंगे इसे,
और यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए ये फ़ोटो हमारा बन के तैयार हो चुका है और कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा फोटो एडिटिंग कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।